सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि दिवाली बोनस ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि त्यौहार का सीजन शुरू होने वाला है और केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 का बोनस जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि इसकी कार्यवाही सभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो इसके संबंध में 28 अगस्त 2022 को उत्तर रेलवे के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है और आदेश में ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे के सभी नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज जिनको कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है, उनके बोनस की गणना करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 का बोनस दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और सभी योग्य रेलवे कर्मचारियों की एक दिन की जो सैलरी है उसके बराबर बोनस की गणना करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों को नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बोनस दिया जाता है। तो इसी की वजह से जब एक दिन का जो बोनस है वो एक रेलवे कर्मचारी का तैयार कर लिया जाएगा, तो जैसे ही सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है उस एक दिन के बोनस को सरकार के द्वारा मंजूर किए गए दिनों से गुणा करने के बाद में जल्द से जल्द एक रेलवे कर्मचारी का बोनस पता कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से कार्यवाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है और सभी ही रेलवे कर्मचारियों को जल्द ही बोनस का ऐलान सरकार करने वाली है। जैसे कि होता आया है, दुर्गा पूजा से पहले बोनस का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। तो इसी कड़ी में अब हर एक जनरल रेलवे के द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है और इसकी प्रोसेस भी यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से एक दिन का जो बोनस है वो कैलकुलेट करना है और किस तरीके से उसका वेटिंग करना है, किस तरीके से एक रेलवे कर्मचारी को जो बोनस का बिल है वो यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी कि जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला।